हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ड्रीम्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नर्सरी की विजिट कराने वाली हूँ, जिसका नाम है बागवान नर्सरी। पहले भी मैंने इसका वीडियो शेयर किया था आप सब लोगों के साथ, आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन क्योंकि अभी रेनी सीजन आ गया है और यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स का कलेक्शन आया है, न्यू प्लांट्स आए हैं बहुत सारे, तो मैं आपके साथ सारे शेयर करूँगी विद नेम कि कौन कौन से प्लांट हैं और कौन कौन से आप अभी रेनी सीजन में लगा सकते हैं। वैसे तो रेनी सीजन एक जो पौधे लगाने के लिए सबसे बेस्ट सीजन होता है, इसमें आप कोई भी पौधा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पे जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो प्लांट्स के लिए बहुत सूटेबल रहती हैं। एक तो टेम्परेचर कम रहता है थोड़ा, और मॉइस्चर रहता है इन्वायरमेंट में, ह्यूमिडिटी रहती है, और सबसे जो अच्छी चीज़ है वो है रेनी सीजन में रेन वाटर रहता है, बारिश का पानी। बारिश का पानी होता है वो पौधों के लिए आप मानिए कि अमृत का काम करता है। तो इस समय पे आप कोई भी प्लांट लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश होगा और अच्छे से ग्रो करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये यहाँ पर इस नर्सरी में कौन कौन से प्लांट हैं और क्या क्या हम यहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो नर्सरी है यहाँ पर आपको हर वैरायटी का पौधा मिलेगा। आपको इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, इवन बोनसाई के लिए आपको अगर मटेरियल चाहिए, मतलब थोड़े जो एस्टेब्लिश प्लांट होते हैं, बड़े प्लांट होते हैं, वो भी यहाँ मिलते हैं। फॉरेस्ट के जो प्लांट होते हैं वो भी मिलते हैं। फ्रूट ट्रीज, मतलब सारी वैरायटी आपको, फ्लावरिंग प्लांट, सीजनल प्लांट, हर तरह के पौधे आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो आप इसको एक बार विजिट जरूर करें कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है हो सकता है यहाँ पर आने के बाद पूरी होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये देखिए फाइकस की वैरायटी है, फाइकस स्टार लाइट इसको बोलते हैं। देखिए इसकी जो पत्तियाँ हैं कितनी खूबसूरत होती हैं, उनका कलर कितना अच्छा रहता है। ये देखिए ये अगेव है, ये बहुत पॉट्स में ही लगा हुआ है, इसको आप ले जाके डायरेक्ट लगा सकते हैं। और फिर ये देखिए ये ग्रीन आइलैंड है, ये फाइकस की ही वैरायटी है। इसका जो लीव्स होती है वो एकदम थिक लीव्स होती है, शाइनी लीव्स होती है बिल्कुल, जो नई नई पत्तियाँ आती हैं, तो इसके बोनसाई बहुत खूबसूरत बनते हैं। और उधर आपको दिख रहा होगा ये साइजीजियम ब्लैक है, ये देखिए इसकी जो पत्तियाँ हैं, जो न्यू लीव्स हैं उनका कितना डार्क मरून कलर है बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। फिर इधर ये अरेलिया है, अरेलिया की ये चौड़ी पत्ती वाली वैरायटी है, और ये भी वो फिर ग्रीन आइलैंड ये फाइकस की जो वैरायटी है वो। इधर ये फिलोडेंड्रोन की सारी वैरायटी हैं, ये देखिए ये हार्ट शेप वाला है, ये बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। इसकी जो पत्ती होती है एकदम हार्ट शेपेड लीव्स रहती हैं इसकी, ये देखिए थोड़ा वेरिएशन भी रहता है। जो नई पत्ती आती है वो बहुत खूबसूरत एकदम शाइनी रहती है और उसका कलर भी एकदम लाइट रहता है, देखिए लेमन येलो कलर। तो ये सारे एक जगह पर रखे हुए हैं। ये देखिए ये अरेलिया की ही दूसरी वैरायटी है, इसकी बहुत एकदम कटिंग वाली लीव्स है अलग तरह की, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये पॉट में लगे हुए हैं ऑलरेडी। और ये एक पिट्टोस्पोरम है, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है, इसकी जो न्यू लीव्स आ रही हैं आप देखिए उनका कलर कितना डिफरेंट है जो ओल्ड लीव्स है इससे। और इधर ये सेफलेरा है, इसमें दोनों तरह के हैं, पूरी तरह से ग्रीन वाला भी है ये, और इसकी वेरीगेटेड वैरायटी भी है, तो ये भी बहुत खूबसूरत है। उधर फिर वो रबर प्लांट दिखाई दे रहे हैं, फाइकस इलास्टिका जिसको कहते हैं वो है, उसमें दोनों तरह के हैं, वेरीगेटेड वाला भी है, उधर वेरीगेटेड वाला है, एक सिंपल वाला भी है। ये स्नेक प्लांट है, सेंसेवेरिया जिसे हम कहते हैं, ये सारी ड्रेसिना की वैरायटी है। देखिए आप इसकी लीव्स है, बहुत ब्रॉड लीव्स है इसकी, ब्रॉड लीव्स विद रेड मार्जिन्स, जो किनारे हैं उन पर रेड कलर है इसमें, ये देखिए आप एकदम कॉर्नर्स इसके रेड हैं। और ये दूसरा भी ये ड्रेसिना ही है, इसकी दूसरी वैरायटी है, काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर ड्रेसिना की। और ये लैला मजनू जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं वो, ये प्लांट है इसकी, देखिए आप ऊपर से ये पत्ती ग्रीन है, पीछे से देखिए बिल्कुल मेहरून कलर की है। तो ये दो तरह के हैं यहाँ पर, एक तो ये वेरीगेटेड है और एक पूरा ये ग्रीन वाला है, देखिए मतलब ऊपर से पूरी लीफ ग्रीन है इसकी और नीचे से पूरी मरून है, और ये वेरीगेटेड वाला देखिए आप, ये जैसे ये पत्ती है ये ऊपर से वेरीगेटेड है और नीचे से एकदम मरून। तो ये भी आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में अगर आपके पास नहीं है तो। ये देखिए ये पाम है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम लश ग्रीन है, और ये पॉट में लगे हुए हैं काफ़ी बड़े, 8 इंच के पॉट में ये लगे हुए हैं, और काफ़ी मतलब हेल्दी प्लांट हैं ये। इधर ये क्रिसमस ट्री है, ये देखिए अभी आए हुए हैं तो ये पूरा पैक हो रखे हैं, ऐसे बांध दिया है इनको जिससे कि कम स्पेस में
ज़्यादा प्लांट्स को एडजस्ट कर सके। ये देखिए अच्छे हेल्दी प्लांट्स हैं, ये पॉली बैग में लगे हुए हैं। ये भी पाम है, इधर पाम की बहुत सारी वैरायटी है, यहाँ पर सारा पाम है। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर बहुत सारे पाम हैं, बहुत वैरायटी है पाम की। फैन पाम है, फिशटेल पाम है, अरेका पाम है, काफी वैरायटी है इधर पाम की। तो आप यहां से अपनी पसंद का जो आपको पसंद आए वो बाय कर सकते हैं, छोटी बड़ी हर साइज में अवेलेबल है यहां पर। ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ड्रेसिना की काफी वैरायटी है, बहुत अलग अलग तरह की, जो लीव्स पे जो पैटर्न है कलर्स के बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी है, सॉन्ग ऑफ इंडिया में भी एक वेरीगेटेड वाला है और पूरा ग्रीन वाला भी सॉन्ग ऑफ इंडिया है यहाँ पर। तो देखिए वो एकदम ग्रीन लीफ जिसकी है, हल्का उस पर वेरिएशन है, और दूसरा ये वाला है जिस पर काफी प्रोमिनेंट वेरिएशन रहता है। ये सब ड्रेसिना की वैरायटी है। इधर भी देखिए, इधर भी बहुत अलग अलग तरीके के पाम हैं यहाँ पर, और ये एक डिफरेंट है। ये देखिए, ये कार्डबोर्ड पाम जिसको कहते हैं, जमाइका पाम भी इसको बोलते हैं। इसकी जो लीफ होती है एकदम कार्डबोर्ड जैसी, मतलब हार्ड रहता है ना जैसा कार्डबोर्ड, उस तरह की पत्ती रहती है। तो ये देखिए यहाँ पे दो तरह के, ये तो इसकी गोल लीव्स हैं इसकी, और ये देखिए ये लंबी है इसकी लीव। तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट है। ये अरेलिया की ही कुछ वैरायटी है यहाँ पर, एकदम छोटी पत्ती वाली वेरिएटेड वाली वैरायटी है ये। और आगे वो जेड प्लांट है, देखिए ये जेड प्लांट है, ये थोड़ा कुछ अलग तरीके का लग रहा है। देखिए इसकी जो पत्ती है वो एकदम ग्रीन नहीं है, एकदम लाइट कलर की है ये, और काफ़ी अच्छा इनका साइज भी सही है, मतलब जो ट्रंक की साइज है वो काफ़ी मोटी है। ये देखिए ये जनाडू है, ये भी जो फॉलिएज प्लांट है ये, इसकी जो पत्तियां होती है बड़ी खूबसूरत लगती हैं देखने में। और एक और मुझे यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है, देखिए ये स्पाइडर लिली, देखिए हमेशा जो हमने देखी है वो एकदम ग्रीन वाली देखी, जैसे उधर देखिए ग्रीन है, ये वेरीगेटेड है, इसकी पत्तियां वेरीगेटेड है। आप ये देखिए, ये इधर रियो प्लांट है, ये भी काफी हेल्दी प्लांट है, एकदम घने घने लगे हुए हैं बिल्कुल। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल पूरा पॉट भरा हुआ है। ये सारे हैंगिंग बास्केट्स हैं, ये भी अच्छे से ग्रो किए हुए हैं, हेल्दी प्लांट्स हैं काफी। और इधर ये एस्पेरेगस है, फॉक्स टेल जिसको कहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जेड प्लांट है, जेड प्लांट हर जगह मिल जाते हैं, बट यहाँ पर ये देखिए आप कितने बड़े बड़े जेड प्लांट हैं ये। अगर आपको बोनसाई बनाना है इनका, तो ये बहुत ही सुटेबल मटेरियल है यहाँ से लेने के लिए, कि आप बस ले जाइए और थोड़ा वायरिंग करके और थोड़ा शेप देके इनका बोनसाई आपका तुरंत तैयार हो जाएगा। तो ये अगर किसी को बोनसाई बनाने का शौक है तो वो यहाँ से इनको खरीद सकता है। क्रोटन की काफी वैरायटी है यहाँ पर, ये देखिए ये वो लीफ जिसकी त्रिशूल जैसी पत्ती रहती है आगे से कटी हुई, वो है। फिर ये गोल्डन डस्ट जैसा है, लेकिन इसकी थोड़ी चौड़ी पत्ती है गोल्डन डस्ट की, और थोड़ी बारीक रहती है पत्ती, ये भी खूबसूरत है देखने में काफी। इधर देखिए ये बहुत प्यारा लगता है, ये वाला जो क्रोटन है, ये काफी हेल्दी प्लांट है इसके। ये बहुत तरह तरह के हैं, काफी वैरायटी है क्रोटन में, 8-10 तरह का क्रोटन है कम से कम। तो आपको जो आपकी चॉइस लगे कि हाँ हमें ये वाला चाहिए, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और साइजेस भी हैं डिफरेंट, जैसे ये बड़ी साइज का है, उधर है वो छोटी साइज में है, तो आप जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं। ये पाम की भी यहाँ पर दो वैरायटी है, ये काफी चौड़ी लीव्स हैं इसकी, ये देखिए इतनी चौड़ी पत्ती है, बहुत ही हेल्दी और अच्छे प्लांट हैं ये देखिए। और एक इधर है, ये थोड़ा सा छोटी पत्तियां हैं इसकी, तो आप पान भी ले सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए अंगूर की पाइन है,
और इधर ये हिबिस्कस हैं, जो मल्टी पेटल वाला हिबिस्कस है उसमें भी काफी बिग साइज फ्लावर है। हो उधर खिला हुआ है फूल, अभी दिखाती हूँ आपको। ये तो स्पेंट हो चुका है, ये देखिए ये कितना बड़ा फूल है, बहुत बड़ा साइज है इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्लीरोडेंड्रोन है। क्लीरोडेंड्रोन की कटिंग्स तैयार की हुई हैं ये पॉली बैग्स में छोटी छोटी, तो ये हेजिंग के लिए यूज होता है। मतलब आपके अगर किसी गार्डन में या आपके घर में स्पेस है जिसमें आपको हेज तैयार करना है, तो उसके लिए ये बहुत ही सूटेबल वैरायटी है प्लांट की। ये करौंदे के प्लांट्स हैं, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ इनकी हो रही है, एकदम हेल्दी प्लांट है। तो अगर करौंदा आपको लगाना है अपने घर में तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फिग है, अंजीर जिसे हम कहते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस फ्रूट रहता है ये, और इसमें आई भी हुई है फिग। ये देखिए बड़ी बड़ी, काफी बड़ा साइज है। ये फिग की पूना फिग वैरायटी है ये। ये अलामांडा है, देखिए कितना बिग साइज फ्लावर है इसका, और बहुत ही कुछ डिफरेंट सा कलर है। जनरली एक पिंक सा और ऑरेंज, सॉरी वो येलो कलर वाले तो मैंने काफी देखे हैं, लेकिन ये कुछ अलग सा है। काफी बड़े बड़े प्लांट हैं। और ये देखिए, ये पॉमीग्रेनेट है, अनार जिसे हम कहते हैं, ये उसकी सिंदूरी वैरायटी है। ये काफी अच्छी वैरायटी है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग इसमें होती है। इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो भी काफी अच्छी क्वालिटी के आते हैं इसमें। और भी आप यहाँ पे, ये देखिए ये कटहल है, ये देसी वाली है, मतलब आप जमीन में इसको लगा सकते हैं। ये शायद हाइब्रिड है, ये वाली हाइब्रिड। देखिए पत्तियों में अंतर है दोनों में, उसकी और इसकी लीव्स के कलर में, साइज में। ये इसका ज्यादा ग्रीन कलर है एकदम। ये वाला एप्पल बेर है, इसमें मतलब काफी बड़ी साइज का बेर आता है। मान लीजिए छोटा एप्पल आप कंसीडर कर सकते हैं कि एक छोटा एप्पल होता है, उस साइज का इसमें बेर लगेगा। तो ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। उधर गुआवा है, वो गुआवा की कौन सी भैया? अच्छा, ताइवान पिंक L49, L49 जिसको सरदार भी कहते हैं, लखनऊ 49 जिसका नाम रहता है वो, और बर्फ खान। ये देखिए ये जामुन है, ये भी हाइब्रिड है। ये सब ग्राफ्टिंग की हुई है इनमें, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये की हुई है ग्राफ्टिंग, ये की हुई है, ये सब ग्राफ्टेड है। मतलब आपके इसमें छोटे पौधे में ही ये फ्रूटिंग होने लग जाएगी आपके इस प्लांट को। और ये अपना चीकू है जिसको सपोटा कहते हैं, ये उसकी काली पट्टी और क्रिकेट बॉल दो वैरायटी हैं इसकी। ये देखिए ये चीकू का प्लांट है, ये बहुत बड़े पॉली बैग में ही लगा हुआ है हालांकि, लेकिन ये देखिए आप बहुत बड़ी साइज इसकी हो चुकी है, इसमें चीकू भी आ रहे हैं ये देखिए। और फ्लावरिंग तो बहुत हो रही है, देखिए काफ़ी फूल हैं इसमें, काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है, मतलब बहुत चीकू इसमें लगेंगे। तो किसी को इतना बड़ा एस्टेब्लिश प्लांट ही अगर अपने फार्म पे या कहीं भी जाके लगाना है तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए ये मैंगो की वैरायटी है, हिमसागर है ये। काफ़ी बड़े बड़े बिग साइज़ के प्लांट हैं इसके। और इधर ये कशहरी है, चार वैरायटी बताई है इन्होंने यहाँ पर मैंगो की। दशहरी है इनके पास, बंगन पल्ली है, एक ऑल टाइम मैंगो है, और आम्रपाली भी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नींबू के प्लांट है, इनमें बहुत ये बहुत सारे नींबू के प्लांट है, कम से कम 12 हाइब्रिड है, और इसको कलकत्ता नींबू के नाम से जानते हैं। और ये सारा हिबिस्कस है। अब इसे सब में फ्लावर तो नहीं आ रहे हैं, देखिए जैसे ये एकदम सिंदूरी कलर का फ्लावर है, ये कितना सुंदर लग रहा है। हिबिस्कस के काफी कलर्स हैं यहाँ पर, यहाँ पर सारे हाइब्रिड हिबिस्कस हैं। ये देखिए आप, साइज फ्लावर है इसका, रत कलर है इसका, कितना सुंदर लग रहा है ये। ये भी है, एक ये है रेड कलर, और ये सारे रोज वाला सेक्शन है, यहाँ पर सारे रोजेज लगे हुए हैं। काफी कलर्स हैं इनमें भी। ये
ये कनेर के प्लांट हैं, देखिए बहुत खूबसूरत सा डार्क पिंक कलर है इनका, पॉट में ही लगे हुए हैं। ये बहुत हेल्दी प्लांट है, एकदम लश ग्रीन, और काफ़ी इनमें नई बर्ड्स भी आ रही हैं। लामांडा की और वैरायटी हैं, ये लाइट येलो कलर है, वो थोड़ा डार्क येलो है, ये सब पॉट में लगे हुए हैं। ये लामांडा, ये मधुमालती है, इधर भी है मधुमालती के प्लांट्स। ये एक्सोरा है, और वो एक्सोरा की डॉट वैरायटी है, छोटे छोटे प्लांट में ही फ्लावरिंग हो रही है। पिंक एंड वाइट दो कलर्स हैं इसमें। मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, ये कितना छोटा सा प्लांट है और फ्लावरिंग हो रही है, इसमें बर्ड्स भी आ रही हैं। ये टिकोमा है, इसमें येलो कलर के फ्लावर्स हैं, ये भी काफ़ी हेल्दी प्लांट्स हैं, पॉट में लगे हैं बड़े बड़े। ये देखिए ये मधु कामिनी है, इसमें बहुत ही सेंटेड फ्लावर रहता है इसका, बहुत तेज खुशबू आती है इसके फूलों में, थोड़ा छोटे साइज का है इसका फ्लावर। ये देखिए ये ब्लीडिंग हार्ट के पौधे हैं सारे, मैं आपको फ्लावर दिखाती हूँ, इसका एक खिला हुआ है इसमें। ये देखिए वाइट जो पेटल्स हैं उनमें से फिर रेड पेटल निकलते हैं, तो एकदम ऐसा लगता है जैसे हार्ट में से ब्लड निकल रहा हो, तो इसका नाम ब्लीडिंग हार्ट है। ये देखिए ये फाइकस बेंजामिना है, इसको वीपिंग फिग कहते हैं, ये बहुत ही अच्छी चॉइस होती है आउटडोर एज वेल एज इंडोर प्लांट के लिए, तो आप इसको आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं, इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स हैं यहाँ पर। ये देखिए ये टाइगर बार्क फाइकस है, इसकी बार्क आप देखेंगे अलग तरह की रहती है नॉर्मल फाइकस से, ये इस तरह की रहती है, तो ये इसका बोनसाई भी बनता है, वैसे भी एवरग्रीन प्लांट है ये, आप लगा सकते हैं। ये फाइकस पांडा है, फाइकस की काफ़ी वैरायटी है इनके पास। ये देखिए ये मैग्नोलिया का प्लांट है, इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, इसकी पत्ती देखिए कितनी एकदम थिक पत्ती है, बहुत ही खूबसूरत। और ये भी पाम की वैरायटी है, एक लैटिना रूब्रा जिसको कहते हैं। और इधर ये फर्स्ट लव है, ये रेड वाला है, देखिए इसमें आते हैं येलो कलर भी आता है, इसमें पिंक भी आता है। और ये चाइना डॉल रेडर मचेरा जिसको बोलते हैं, ये देखिए कितने बड़े बड़े प्लांट है, ये बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है, एक आपको अगर घर में लगाना है एज ए इंडोर प्लांट तो ये एक बहुत अच्छी चॉइस है, ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, इसकी जो लीव्स होती है एकदम शाइनी लीव्स होती है प्लास्टिक जैसी, ये देखिए। और एक और इम्पोर्टेंट प्लांट है यहाँ पर अभी, एक मुखी रुद्राक्ष है, ये देखिए इसमें फूल आए हुए हैं, ये रुद्राक्ष के फूल हैं, ये एक मुखी है। ये कुछ इंडोर प्लांट्स हैं, ये देखिए ये जीजी प्लांट है, काफ़ी अच्छे हेल्दी प्लांट हैं। और इसकी एक और वैरायटी है यहाँ पर, ये तो देखिए ग्रीन जीजी प्लांट है और ये ब्लैक जीजी प्लांट है, अभी तो इस पर कुछ स्प्रे किया हुआ है तो इसकी लीफ थोड़ी सी ऐसी डस्टी डस्टी सी दिख रही है, बाकी ये बिल्कुल बहुत डार्क ब्लैकिश कलर रहता है इसका बिल्कुल। और इधर ये फिडल लीफ फिग है, फाइकस की ही वैरायटी है, फाइकस लाइट्रा इसको बोलते हैं, और ये टेबल कामिनी या मिनी कामिनी इसको बोलते हैं, ये उसके प्लांट्स हैं। ये देखिए ये न्यू मैरी के प्लांट्स हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने नर्सरी में आपको बहुत सारे प्लांट्स दिखाए, बहुत सारे सीजनल प्लांट हैं, फ्रूट प्लांट है, मतलब हर तरह का प्लांट यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप यहाँ से जो चाहें वो पौधा आप ले सकते हैं। इसका जो नंबर है नर्सरी का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और आपकी जो भी क्वेरीज हों उनको आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।